नमस्कार दोस्तों, खबरी लाल टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम है पंकज बेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरी लाल। अभी अभी जो बड़ी खबर आ रही है गोदी मीडिया के हवाले से कि NBDSA ने दो जो बड़े पत्रकार हैं उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया। जी हाँ, अंबानी जी का ये चैनल है न्यूज 18, इसके ऊपर गोदी मीडिया के दो पत्रकार हैं, NBDSA ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया है कि ये लोग जो खबरें फैला रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम से, इन्होंने झूठी खबरें फैलाई हैं और एक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश करी है। देश का माहौल खराब करने के लिए इन्होंने ये खबरें चलाई और एक तरफा खबरें चलाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले अंबानी जी के चैनल न्यूज 18 की। इनके एक चैनल है न्यूज 18, इनके दो बड़े नगीने पत्रकार हैं, एक का नाम है अमर चोपड़ा, दूसरे का नाम है अमीश देवगन। इनके नाम कुछ अलग हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन हम सही नाम ले रहे हैं। इनके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यही नहीं, TV9 के जो एक शो है उसके ऊपर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने जो आज तक के नगीने पत्रकार हैं, जो पहले GTV में थे, उसके बाद आज तक में आए सुधीर चौधरी, जिनको तिहाड़ी भी बोला जाता है, उनको खूब सारी डांट लगाई और कहा है कि इस प्रकार की पत्रकारिता इस देश में नहीं चलेगी। आपको अगर पत्रकारिता करनी है तो दोनों तरफ लेके चलना पड़ेगा, निष्पक्ष करना पड़ेगा। आप जो कर रहे हो पत्रकारिता नहीं, चाटुकारिता करनी है। ये कोर्ट द्वारा उनको बोला गया है और कहा गया है सही हो जाओ, नहीं तो हमें सही करना आता है। अब बात करते हैं कि पिछले दिनों श्रद्धा हत्याकांड हुआ था, किस प्रकार से पूरे एक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश करी थी। इसी के ऊपर जो इन्होंने शो चलाए थे, अमन चोपड़ा और अमीश देवगन ने लव जिहाद के ऊपर पूरा शो चलाते रहे और दिखाते रहे अपनी TRP लेने के लिए, कैसे कैसे इन्होंने शो चलाए, उसी के ऊपर इन दोनों पत्रकारों के ऊपर 50,000 रुपये का इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। अब पिछले दिनों की बात है, ध्रुव राठी ने एक वीडियो निकाला था, उस वीडियो में ये कैसे बोल रहे थे कि आप जो विदेश में बैठे उनकी बातें मत सुनिए। ध्रुव राठी ने पूरी सच्चाई बताई थी किस प्रकार से आज की तारीख में मीडिया काम कर रही है। उन्होंने सरकार के ऊपर कुछ सवाल उठाए थे और पत्रकार का काम है कि सवाल के ऊपर सवाल उठाना। आजकल पत्रकार वो काम नहीं कर रहे, फैक्ट चेकर वो काम कर रहे हैं। अगर पत्रकार अपना काम नहीं करेगा तो उनके सामने सवाल तो उठेंगे ही। तो ये हमारे छोटी सी पेशकश थी, आपको अपडेट थी जो हमने आपको दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है पंकज बेदी, आप देख रहे थे खबरी लाल TV। नमस्कार।